अस्सलाम वालेकुम गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे वो टॉपिक इज एक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्ट इन इस्लामिक जोड स्टूडेंट्स एक्ट का कॉन्प्ट क्या है इस्लाम में उसको आज के इस लेक्चर में जो है ना हम डिस्कस करेंगे एक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लामिक जूड स्टूडेंट्स का टॉपिक है आज का हमारा बेसिकली uh, जो है ना वो एक्ट और राइट्स के वाले से पूछा जाता है एग्जाम में या एक्ट्स और ऑब्लिगेशन के वाले से पूछा जाता है ठीक है तो आज का टॉपिक जो है हमारा एक्ट्स के वाले से एक्ट कहते हैं टू डू समथिंग कोई काम कोई जो है ना वो किसी काम को ना सर अंजाम देना उसको एक्ट कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वज़ू किया डेट इज़ एन एक्ट आपने वजू करने के बाद नमाज पढ़ी ये एक एक्ट एक है आपने शहरी की रोज़ा रखने के लिए ये एक एक्ट है ठीक है रोज़ा रखा पूरा दिन भूख बर्दाश्त की ये एक एक्ट है उसके बाद रफ्तारी की ये एक एक्ट है ठीक है आपने चैरिटी की ये एक एक्ट है तो इस्लाम में एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे ठीक है एक्ट जो है बेसिकली उसको डिफरेंट जूडिस ने डिफ़ाइन किया है इस्लाम में जो है इसकी जो सोर्स मिलते हैं हमें कुरान हदीस से मिलते हैं कंसेंसिस ऑफ ओपिनियन से मिलते हैं और टनोलॉजी से मिलते हैं मतलब कि कौन से एक्ट परफॉर्म करने हैं कौन से एक्ट परफॉर्म नहीं करने किन को जो है ना वो हराम आ, कहा गया है किन को जो है ना मकरू कहा गया है ठीक है ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं कुरान और सुनना और जो है ना कंसेंसिस ऑफ ओपिनियन यानी कि जो इजमा हुआ है उससे हमें पता चलती है और यहाँ जो क्यास किया गया उससे हमें ये चीज़ें पता चलती हैं एक्चुअली में एक्ट के लिए इस्लाम में अमाल का वर्ड यूज़ किया गया एक्ट के लिए ठीक है ह्यूमन uh, कंडक्ट को जो है ना वो एक्ट कहा गया uh, कुछ मतलब uh, कुछ जो है ना वो ह्यूमन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ़र्ज़ कर दी गई हैं कि आपने ये जो है ना वो काम करना ही करना है जैसे कि रमज़ान के, के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं नमाज़ें पांच नमाजें जो है ना वो फ़र्ज़ कर दी गई हैं ठीक है तो ये एग्जाम्पल है जो कि ओप्लिगेटरी हैं मतलब एक जो है ना वो एज अ मुस्लिम आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी ठीक है तो ये एक्ट का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि जिसपे जो है ना वो आप आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने करनी है हर लिहाज से करनी है ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप करें या नहीं करें उनके ऊपर जो है ना वो आपको कोई जजा सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करें तो आपको सवाब मिलता है नहीं करें तो आपको उसके बाद उसके बदले में कोई गुनाह नहीं मिलेगा ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मकरू हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हराम है अगर आप करते हैं तो उस पर पनिश किया जाता है आपको ठीक है तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना हम डिटेल में जो है ना इसको डिस्कस करेंगे एक्ट जनरली सा ये है कि एक्ट ये टू डू सम कोई एक्ट परफॉर्म किया मतलब मैंने वज़ू किया तो ये एक एक्ट था ठीक है मैंने नमाज पढ़ी तो ये एक्ट था ठीक है ये एक्चुअली जो है ना वो इसका इंट्रोडक्शन है सोर्सेज में पहले ही बता चुका हूँ ये बेस करते हैं कुरान हदीस पे ठीक है और उसके बाद कंसेंसिस ऑफ ओपिनियन और एनोलॉजी पे एनोलॉजी कहते हैं किस कियास को ठीक है आपने एनालॉजी किया एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया ठीक है और फिर कोई फाइनल रिजल्ट निकाला डैट इज़ क्यास और उसके बाद जो है ना वो अरेबिक में अमाल का वर्ड जो है ना वो क्रॉन में जो है ना वो अमाल का वर्ड जो है ना यूज़ किया जाएगा एक्ट की जगह ठीक है डेफिनेशन अगर हम पढ़ें एक्ट की तो अकॉर्डिंग टू मामल गजाली यानी वलन्ट्री मोमेंट एक पर्सन है जो को वलन्ट्री कोई काम कर रहा है मैं वलन्ट्री जो है ना वज़ू कर रहा हूँ या नमाज पढ़ रहा हूँ ठीक है तो ये एक्ट है ऑफ द लिम्स लिम्स कहते हैं कि हाथ पाओ बाजुओं से ठीक है बॉडीली ठीक है और मेंटली डिसीजन मतलब आपने को मेंटली डिसीजन लिया है विद द सब्जेक्ट टू कमांड और प्रोहिबिशन ऑफ द शरिया ठीक है जो कि आप कर रहे हो शरिया के मुताबिक ठीक है जो कि शरीयत ने आपको करने, करने का कहा है या शरीयत ने आपको करने से मना किया है ठीक है कमांड किया है शरीयत ने ठीक है अब क्या कमांड की है कि आपने नमाज पढ़नी है पांच वक्त की ठीक है तो ये शरीयत ने कमांड किया है और प्रोहिबिशन प्रोहिबिट किया है शरीयत ने कि आपने जो है न वो शराब नहीं पीनी ठीक है जना नहीं करना ठीक है किसी का कत्ल नहीं करना चोरी नहीं करनी ठीक है तो ये शरीत ने प्रोहिबिटिड किया है

एक बात याद गेट में काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है कि एक्ट को कितनी टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है ठीक है तो टो तो, दो टाइप्स हैं इसकी ठीक है नेचुरल और जूडिस्टिक एक्ट ठीक है उसके बाद जो है ना वो आ, इसको अफ़ाले हंसी भी कहते हैं नेचुरल एक्ट को समटाइम जो है ना वो आपसे ये पूछा जाता है कि अफ़ाले हंसी किस कहते हैं नेचुरल एक्ट को जूडिस्टिक एक्ट को फिजिकल एक्ट को मेंटल एक्ट को ठीक है तो फिर आपने नेचुरल एक्ट को जो है ना वो आपका राइट आंसर हुआ ठीक है जुरिस्टिक जो एक्ट होते हैं ठीक है उसको जो है ना वो अफ़ाल श्रेया कहा जाता है मैं फिर से बता दूँ अफ़ाल हसी इज़ अ नेचुरल एक्ट और अफ़ाल श्रेया इज़ अ जुरस्टिक एक्ट ठीक है इसके लिए जो है ना वो नेचुरल एक्ट के लिए अफ़ाल हसी का वर्ड यूज़ होता है और जुरस्टिक एक्ट के लिए जो है ना वो अफ़ाल श्रेया का वर्ड यूज़ होता है जो नेचुरल एक्ट है वो फ़िज़िकली और मैंटली जो है ना वो परफॉर्म किए जाते हैं मतलब आप फिज़िकली कोई काम कर रहे हैं ठीक है या मेंटली कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो डेट्स वाट इंक्लूड इन द नेचुरल एक्ट जुरिस्टिक एक्ट ऐसे एक्ट जो कि राइट राइट क्रिएट करते हैं ठीक है या राइट किसी राइट को एक्सटेंड करते हैं डेट्स इज़ अ जुरिस्टिक एक्ट ठीक है मतलब कि आपने शादी की उसके बाद आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है ठीक है ऐसे ही जो है ना वो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आपके राइट्स को एक्सटेंड करते हैं कि आपने वो काम नहीं करना ठीक है कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि आपके राइट्स को जो है ना एक्सटेंड कर देते हैं तो डेट्स तो इज़ योर जुरिस्टिक एक्ट ठीक है नेचुरल एक्ट मैं फिर से बता दूँ अफ़ाल हंसी अफ़ाल हसी इज़ अ नेचुरल एक्ट और जुरस्टिक एक्ट इज़ अफ़ाल श्रेया गैट में काफ़ी दफ़ा ये एम सी को पूछा गया है ठीक है तकरीबन हर दफ़ा इस तरह के एम सी को जो है ना वो आते रहते हैं ये याद रखिएगा उसके बाद अगर हम नेचुरल एक्ट को डिफ़ाइन करें तो नेचुरल एक्ट जो होता है ना वो बेसिकली फ़िज़िकल एक्ट और मेंटल एक्ट से डील करता है ठीक है फिज़िकली आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया मैंने मज़ू किया मेरा फ़िज़िकल एक्ट था ठीक है उससे पहले मेरी इंटेंशन क्या थी मेरा मेंटली बिलीव क्या था कि अल्लाह इज़ इजावान ठीक है एक अल्लाह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं ठीक है ये मेरा मेंटली बिलीव था और आई एम अ मुस्लिम ठीक है और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ अब ये मैंने मैंटली मेरी इंटेंशन ये थी कि मैंने नमाज़ पढ़नी है अब मेरा मेंटली एक्ट ये था कि मेरा बिलीव ये था कि देर इज़ नो गॉड बाई वन ठीक है एक अल्लाह है उसके बाद एक्नॉलिज एक्नोलॉलिज थी कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ थी और विशिज़ भी मेरी थी कि मैंने नमाज़ पढ़नी है ठीक है एक्ट ऑफ माइंड आर डिफरेंट फ्रॉम जूडिस्ट एंड नेचुरल एक्ट एक्ट ऑफ माइंड जो होता है वो बेसिकली वो फ़िज़िकल एक्ट और जु जुडिस्टिक एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है मतलब मेरा माइंड ये है कि मैं मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़नी है ठीक है अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्या करूँगा फिज़िकल एक्ट परफॉर्म करूँगा फिज़िकल एक्ट में सबसे पहले मैं वज़ू करूँगा ठीक है वज़ू करने के बाद जो है ना वो आ, नमाज जितने भी फ्राइज़ हैं वो पूरे करूँगा ठीक है वो, वो मेरी नमाज हो जाएगी ठीक है ये डैट इज़ अ नेचुरल एक्ट ठीक है तो नेचुरल एक्ट में एक्ट ऑफ यूट्रेंस और एक्ट ऑफ कंडक्ट आता है ठीक है यूट्रेंस मीन कि आपने कोई चीज़ बोल के की आपने कोई चीज़ एक्सप्रेशन से की कोई चीज़ लिख के की ठीक है मतलब इन रिटर्न में कोई चीज़ की अब मैंने जब वज़ू किया तो मैं वजू वजू जब करना था तो वज़ू करने के लिए मैं उस जगह पे गया जहाँ पे जो है ना वो वज़ू करने की जगह थी ठीक है उसके बाद मैंने जो है ना वो वजू के जितने भी फ्राइज हैं वो पूरे किए ठीक है और दैन फिर जो है ना मैं अपने कंडक्ट की तरफ चला गया अब कंडक्ट क्या था कंडक्ट किया था कि मैंने नमाज पढ़नी है ठीक है तो मोशन ऑफ द बॉडी और लिम्स ओमिशन ऑफ ऑब्लिगेशंस ठीक है और डिफॉल्ट इन फुलफ़िल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अब जो, ना जो है ना वो नेचुरल एक्ट में ये भी हो आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो आप एग्रीमेंट करते हैं ठीक है ये भी जो है ना वो नेचुरल एक्ट में आ जाते हैं और मेंटली मतलब आपने किसी के साथ कोई वादा किया है और आपके माइंड में क्या चल रहा है ठीक है ये तो अल्लाह तला तो की धारती बेहतर जानती है कि आपने जो है ना वो नेक नेकनीति के साथ किसी के साथ एग्रीमेंट किया है या नहीं किया ठीक है उस एग्रीमेंट को जब आपने वादा किया उसके साथ क्या आपने उस वादे को लिखा या नहीं लिखा हालाँकि क्राम जी ने फरमाया गया है कि जो भी तुम आपस में जो है ना वो नाहदा करो उसको लिख लो ठीक है और कम अज़ कम दो गुआ ख़ान के सामने जो है ना वो लिख लो तो ये बेसिकली जो है ना वो नेचुरल एक्ट में जो है ना वो फिज़िकल एक्ट और मेंटल एक्ट आते हैं ठीक है फिज़िकली मैंने मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं वजू का हूँ नमाज पढ़ रहा हूँ देट इज़ माई फ़िज़िकल एक्ट मेंटल एक्ट मेरी जो है ना माइंड में क्या चल रहा है ठीक है मैं नमाज़ पढ़ने की नीयत है भी है मेरी यह नहीं नीयत है ठीक है तो डैट इज माई मेंटल एक्ट इसकी एग्जाम्पल जो है ना मैंने थोड़ी सी यहां पे लिखी है ठीक है सपोज इज डेट कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज को सपोज करें कि एक पर्सन जो है ना वो ये कन्फेस कर रहा है कि एक ही अल्लाह है ठीक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आखिरी नबी है लेकिन उसके माइंड में कुछ और चल रहा है ठीक है उसके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं वो किसी और जो है ना वो रिलीजन को फॉलो कर रहा है ठीक है माइंड में जो है ना उसके कुछ और चल रहा है तो डैट इज देयर मेंटल एक्ट ठीक है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है उसके माइंड में मैं भी चल रहा हो कि नहीं एक नहीं एक से ज़्यादा बिल्ला ख़ुदा है ठीक है या कुछ और उसके माइंड में चल रहा हो तो वो उसका मेंटल है एक्ट है लेकिन फिजिकली यानी एक्सप्रेसली वो क्या चीज़ कन्फेस कर रहा है कि जी एक ही अल है ठीक है और मैं उसी को मानता हूं लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है ठीक है तो एक, एक्चुअली में अफ़ाल हसी और अफ़ाल श्रिया ये दो जो है ना वो कैटेगराइज हैं जहाँ जिसपे जो है ना वो एक्ट को क्लासीफाई किया मैं पहले बता दूँ ये गैट में बहुत दफा ये एम सी क्यू जो है ना वो पूछा जा चुका है ठीक है उसके बाद काइंड्स है एक्ट की काइंड ऑफ एक्ट इन इस्लाम डिफरेंट टूरिस्ट ने जो है ना वो इसकी डिफ्रेंस काइंड बताई है अगर मैं इमाम अबू हनीफा को डिफ़ाइन करूँ तो इमाम अबू हनीफा के मुताबिक जो है ना ये काइंड है आ, एक्ट की ठीक है ऐसे ही अगर मैं मामा मालिकी को आ, जो है ना वो मामाली के पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो इमाम मालिकी कहते हैं कि जो है वो इमाम अबू हनीफा को और कन्सेंसिस ऑफ ओपिनियन यानी कि एक पर्सन जो है ना वो कंसेंस करके ठीक है लोगों के साथ जो है ना वो इजमा करके और एनालॉजी करके भी जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ एक्ट ठीक है लेकिन मामा हनीफा ने जो है ना ये पांच काइंट्स जो है ना वो आ, हमारे सामने रखी है ठीक है एक्चुअली में ये जो पांच काइंट्स हैं ये जो है ना वो हमें कुरान सुनना और अहदीस वगैरह से जो है ना ये चीज़ें हमें मिलती हैं ठीक है ये पांच काइंड हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम ठीक है जिसमें वाजिब मुस्तब मुबा और मकरू और हराम ये पाँच तरह की काइंड हैं काइंट्स हैं एक्ट की जिसको हम जो है ना वो फ़र्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं वाजिब मीन्स ओबलीगेटरी एक्ट ऐसे एक्ट जो कि आपने परफॉर्म कर नहीं करने है ठीक है कुछ भी है आपने परफॉर्म करना जैसे कि आप नमाज तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई है अब आप पे जो है ना वो नमाज़ फ़र्ज कर दी गई है पाँच वक्त की आपने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं वाजिब एक्ट ओबलीगेट्री जो कि आपने परफॉर्म कर ही करने है ठीक है जैसे कि नमाज के वाले से आता है ठीक है ये फ़र्ज़ है आपने ये एक्ट परफॉर्म करने नहीं करनी है नमाज पांच वक्त की नमाज जो है ना वो आ, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है ठीक है वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है उसके बाद रोज़ों के वाले से आता है अहमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ठीक है ठीके? तो जब भी रमज़ान का महीना है आपने जो है ना वो रोज़े रखने ही रखने हैं ठीक है ठीके? उसके बाद जो है ना वो ज़क़ात के वाले से आता है उसके बाद हज के वाले से आता है तो ये चीज़ें जो है ना वो आप पे फ़र्ज़ कर दी गई हैं जो कि आपने करनी करनी है ओबलीगेटरी हैं जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं तो सबसे पहले जो काइंट आती हैं इसकी वो आती है फ़र्ज़ जो कि चीज़ें आप पे बातचीत कर दी गई हैं ऑब्लीगेट्रियाँ आपने परफॉर्म करनी करनी है उसके बाद फ़र्द फ़र्ज की भी दो टाइप्स हैं ठीक है फ़र्द अलिया फ़र्द अलिया मींस कि एक एक चीज़ जो है ना वो एक इंडिविजुअल पे फ़र्ज़ कर दी गई है फॉर एग्जांपल एक चीज़ मुझ पे फ़र्ज कर दी गई है ठीक है जिस जो इस, इसको जो ना हम फर्द अलिया कहते हैं यानी कि पाँच वक्त की नमाज जो है ना वो मुझ पर फ़र्ज़ कर दी गई है रोज़े मुझ पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ठीक है मैंने अपना हिसाब देना है कि मैं नमाज़ पढ़ता था या नहीं था पढ़ता मैंने ज़ुक दी या नहीं दी मैंने रोज़े रखे या नहीं रखे ठीक है उसके बाद आता है फ़र्ज कफाया बेसिकली ये ये फ़र्ज़ ये होता है कि अगर कम्युनिटी में से किसी एक पर्सन ने भी वो एक्ट परफॉर्म किया है ना तो यही कंसीडर किया जाता है कि इस पूरी कम्युनिटी ने भी उसी के बिहार पे एक्ट परफॉर्म कर दिया जैसे कि नमाज जनाजा ठीक है अब नमाज जनाजा के ऊपर जो है ना वो काफ़ी उलमास जो है ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं ठीक है अगर एक पर्सन ने कम्युनिटी में से एक पर्सन ने भी जो है ना वो बेसिकली यही होता है ना आप दुआ करते हैं जो पर्सन जो है ना दुनिया से चला जाता है उसके हक में ठीक है उसकी आखिरत के लिए दुआ करते हैं ठीक है तो उमा कहते हैं अगर एक पर्सन ने भी जो है ना वो कम्युनिटी में से जनाजा पढ़ लिया ना तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उस उस पर्सन ने उस कम्युनिटी के बिहाब पे वो एक्ट परफॉर्म किया है ठीक है तो अब फर्ज दो टाइप्स हैं फ़र्ज़ की भी ठीक है ओब्लीगेटरी तो ये है जो आपने परफॉर्म करनी ही करने हैं ठीक है थीके? आपके ऊपर आप आपके ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ठीक है आपने हर हाल में परफॉर्म करने हैं उसके आगे दो फ़र्ज की दो टाइप्स हैं फर्ज अलक फ़र्द अल, यानी कि इंडिविजुअली आप पे क्या चीज़ फ़र्ज़ कर दी गई जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मैंने अपनी नमाज का हिसाब देना है कि मैं नमाज़ पढ़ता था कि यह नहीं था पढ़ता ठीक है मेरे बिहार पे मेरी कम्युनिटी में से कोई दूसरा पर्सन नहीं उसका जो है ना हिसाब देगा ठीक है लेकिन फ़र्द फ़ाया बेसिकली जो नमाज जनाज़ा होता है ठीक है वो अगर कम्यूनिटी में से एक पर्सन ने भी पढ़ लिया है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि इस पर्सन ने पूरी कम्यूनिटी के बिहा पे जो है ना वो इसके हक में जो है ना वो प्रेयर कर दी है दुआ मांग दी है वैसे तो यही होता है कि आपने जो है ना उसको उसके बाद जो है ना मुस्तहिब मुस्तहिब मस के नॉट कम्पल्सरी टू डू ये फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर ठीक है अगर आप करते हो तो आपको इसका स्वभाव मिलेगा नहीं करते तो आप इसको इसका गुनाह नहीं मिलेगा ठीक है जैसे कि जैसे कि आप जो है ना नफली रोज़े रखते हो ठीक है अगर रखो देखिए रमज़ान के रोजे तो फ़र्ज किए गए हैं हर मुसलमान के ऊपर ठीक है उसके अलावा अगर कोई मुसलमान जो है वो नफली रोजे रखते हैं ठीक है वो अगर वो रखे तो उसका उसको जो है ना अजर मिलता है दुगना अजर मिलता है ठीक है अगर वो नहीं रखता तो उसके ऊपर उसको कोई गुनाह नहीं है ठीक है ऐसे कोई नफली इबादत करता है कोई पर्सन पांच तो नमाजें फ़र्ज हैं वो तो आपने जो है ना वो पढ़नी ही पढ़नी है वो तो कंपलसरी है ओब्लीटरी हैं लेकिन आप जब कभी नफली इबादत करते हो ठीक है नफली जब आप इबादत करते हो तो वो आप पे फ़र्ज़ नहीं है जब आप नफली नमाजें पढ़ते हो तो वो आप पे फ़र्ज़ नहीं है ठीक है लेकिन अगर वो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो तो उसको उसका जो ना आपको अजर अल्लाह तला की जरूर देगी ऐसी चैरिटी के वाले से देखिए ज़कात तो फर्ज़ है ज़ुआ तो हर पर्सन ने पे करनी है जो कि ज़कू़़त देने की इस्तकामत रखता है वो पर्सन जो है ना वो ज़कूआत पे करेगा ठीक है लेकिन चैरिटी के वाले से चैरिटी अब आप पर फ़र्ज़ नहीं है ठीक है वो आप वो अगर आप चैरिटी देते हो तो उसका आपको अजर ज़रूर मिलेगा ठीक है ये तो ये बेसिकली जो है ना वो रिकमेंडेड एक्ट होते हैं जिसको हम जो है ना मुस्िब कहते हैं उसके बाद जो है ना मुब्बा मुबा जो है एक्चुअली में परमिज़िबल एक्ट होते हैं ठीक है परमिज़िबल एक्ट ये कि आप परफार्म कर रहे हो नहीं भी कर रहे उसका कोई आपको अजर या गुनाह नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें मुबा में ठीक है उसका ना तो मुझे कोई सुबह मिलेगा अगर मैं नहीं परफॉर्म कर रहा तो ना ही मुझे कोई उसकी जो है ना गुनाह मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खाते हो कपड़े पहनते हो ठीक है आप कोई बिजनेस करते हो ऑर्डनरी बिजनेस करते हो ले लेंदेन के मामला होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ ये रूटीन के ये काम है हम खाना खाते हैं कपड़े पहनते तो इसका हमें कोई अजर नहीं मिल रहा ठीक है अब अगर हम नहीं खाना खा रहे दिन में दो टाइम का या एक टाइम का खाना खा रहे हैं आप तो इसका कोई आपको अजर या कोई स्वाब नहीं है ठीक है अगर आप नहीं खाना खाते तो इसका भी कोई आपको जो है ना वो इसका भी कोई गुनाह नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप ये नीयत रख के खा रहे हो कि मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है ठीक है लेकिन अगर आप ये नीयत रख के नहीं खा रहे कि मैंने जो है ना वो रोज़ा है मेरा आज ठीक है तो फिर उसका जो है ना वो नफली रोज़ों में आ जाएगा और उसका फिर जो है ना वो आपको अजर मिलेगा ठीक है उसके बाद जो है वो मकड़ू डिसाइक जिसको जो है ना वो आ, करने के लिए मना फरमाया गया है परफॉर्मिंग डज नॉट लीड टू पनिशमेंट करने के लिए मना फरमाया गया लेकिन उसकी पनिशमेंट कोई नहीं है ठीक है एन एक्शन डेट आर नॉट अलाउड बाय अल्लाह ने उस उस काम को करने के लिए मना किया गया है बट आर नॉट अन अन ठीक है वो अन नहीं है ठीक है नॉट टू परफॉर्म दिस एक्शन ओवर परफॉर्म डज नॉट लीड टू पनिशमेंट अगर आप परफॉर्म कर भी देते हो तो आपको जो है ना उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो ठीक है पानी का वैसे ही जाया करते रहते हो उसके बाद जो है ना वो अब कोई अननेसेसरी जो है एग्रीमेंट कर लेते हो ठीक है तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि करने से मना फरमाया गया ठीक है आपने आपकी नीयत कुछ और थी आपने बस ऐसी जो है ना वो आर्गूमेंट्स दे दिए ठीक है पता कुछ है नहीं है बोलते जा रहे हैं बस ठीक है तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से मना फरमाया गया अगर आप वो एक्ट परफॉर्म करते हो ठीक है मकरू चीज़ें वो होती हैं बेसिकली जिसको अगर आप एक्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट नहीं है ठीक है उसके ऊपर जो है ना वो आपको पनिश नहीं किया जाएगा ठीक है इसकी अगर आप की एग्जाम्पल देखें तो ख़राब खाना खाना भी मकड़ू है ठीक है उसके बाद आप मस्जिद में जा रहे हो और मस्जिद में जाने से पहले जो है ना वो आपने प्याज वगैरह लहसन वगैरह खा लिया तो ये भी चीज़ मकरू है स्मोकिंग की है आपने ठीक है बहुत से इसकालस कहते हैं कि स्मोकिंग जो है ना वो मकर है ठीक है वूमेन्स के वाले से उनके डिफरेंट थाट्स हैं वैसे जो है ना वो डिफरेंट थाट्स हैं वुमेन के वाले से वो कहते हैं कि हराम है ठीक है स्मोकिंग जो है लेकिन वैसे जो ओवरऑल है वो बहुत उलमा कहते हैं कि ये मकरू है ठीक है तो ये डिफरेंस जो है ना वो एग्जांपल है मकरू की मतलब अगर कोई आप ऐसा अल्लाह तला ने मन करा करने से मना फरमाया गया है ठीक है मना फरमाया लेकिन अगर आप करते हो तो उसकी पनिशमेंट नहीं है ये एक्चुअली वो एक्ट्स हैं हराम जिसको करने से मना किया गया टोटली करने से मना किया गया ठीक है अल्लाहफुल एक्ट है इसके ऊपर आपको पनिशमेंट दी जाएगी शराब पीना जुआ खेलना चोरी करना ठीक है जन करना ये सारी चीज़ें जो है ना वो हराम की गई हैं इस्लाम में ठीक है अगर आप करते हो तो इसके ऊपर जो है ना वो आपको पनिश किया जाएगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रडिशन के वाले से ठीक है जो कि जो ना वो परफॉर्म की ओब्लीगेटरी एक्ट जैसे जिसमें जो है ना वो नमाज आती है पाँच वक्त की ठीक है रिकमेंडेड एक्ट ठीक है लाइक स्माइलिंग एंड अदर एन एक्ट ऑफ चैरिटी ठीक है उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ डिसलाइक एक्शंस उसके बाद जो है ना वो प्रोहिबिटेड हार्मफुल एक्ट्स ठीक है ये जो है ना वो नबी वसम की जो है ना वो ट्रेडिशन और कस्टम से डिफरेंट एग्जांपल मिलते तो ये एक्चुअली एक्ट्स ही ठीक है जिनको जो है ना वो क्लासिफाई और हमने क्लासिफिकेशन और टाइप्स पढ़ी इनकी ठीक है इसमें से एम सी क्यूज भी आ जाते हैं गेट में और ये जो है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक है जिसको जो है ना हमने स्टडी किया एक्ट मीन टू डू समथिंग कोई ऐसा काम करना जो कि इस्लाम ने करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है कोई ऐसा काम करना जो कि इस्लाम ने मकरू किया है कोई ऐसा काम करना जिस जिससे इस्लाम ने हराम करार दिया है और उसके ऊपर आपको पनिशमेंट दी जाएगी ठीक है तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी एक्ट की नेचुरल एक्ट पढ़ा जूडिस्टिक एक्ट पढ़ा ठीक है उसमें जो है ना हमने नेचुरल एक्ट को पढ़ा कि अफ़ाले हसी और उसके बाद अफ़ाले शरिया जूडिस्टिक एक्ट ठीक है तो ये एक्ट से जिनको जो ना हमने डिटेल से डिस्कस किया है वाले से कोई भी क्वेश्चन आकमेंट से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह जल्द में तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखेगा खेला हाफि